नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे और बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे 50 से अधिक किसानों को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में लिया है। केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर यूपी के 175 विधायकों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में डेरा डाला हुआ है और वहां से भाजपा के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। बिहार के अररिया में हुए पत्रकार विमल के हत्याकांड मामले में छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी माधव यादव को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि एसपी ने की है। इस मामले में नामजद 8 आरोपी में से 6 की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वासियों को 5 नए मोहल्ला क्लिनिक का तोहफा दिया, जहां उन्होंने केशवपुर सब्जी मंडी के पास नया मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दिल्लीवासी से वादा किया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। पंजाब सरकार के पंचायतों को भंग करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, जहां मोहाली में पंचायत भवन के सामने पीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। बता दें कि कांग्रेस पंजाब सरकार के पंच सरपंचों को उनका 6 महीने कार्यकाल होने के बावजूद पदों से हटाने का विरोध कर रही है। हरियाणा सरकार ने संपत्ति डेटा सत्यापित करने पर 15% की छूट दी है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति डेटा के सत्यापन के लिए 15% की विशेष छूट देने का फैसला किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 13 जिले में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इसके बजाय सरकार को प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में कम 6 पाकिस्तानी सैनिक और 4 आतंकवादी मारे गए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेमोयर्स ऑफ मैवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स में अपनी पाकिस्तान कार्यकाल का जिक्र किया है। अय्यर ने कहा कि सेना या राजनेता कुछ भी माने, लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत को दुश्मन देश नहीं मानते हैं। जोहान्सबर्ग में कन्वेंशन सेंटर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने वाली डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है। इसी कन्वेंशन सेंटर में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बता दें कि जोहान्सबर्ग में लगभग 10 ऐसी स्क्रीन लगाई गई है, जहां बाहर से एकत्रित भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकेंगे। इसरो ने आज चंद्रयान की सेहत के बारे में बताया और कहा कि वो बेहतर ढंग से काम कर रहा है। इसके बाद अब अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि मिशन तय समय पर चल रहा है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। संसदीय कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान सभा को एक दिन के लिए भी किसी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा था, जबकि संविधान सभा में अब से ज्यादा जटिल मुद्दे पर बहस हुई थी। चंद्रयान 3 मिशन पर विवादित टिप्पणी कर फंसे अभिनेता प्रकाश राज, हिंदू संगठन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि गुजरात के गांधीनगर में 17 से 18 अगस्त को आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर दुनिया का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कई मायने में खास और ऐतिहासिक रहा। यह सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इस सम्मेलन की उपलब्धि गुजरात घोषणा पत्र है। गुजरात की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के प्रयास के तहत सत्तारूढ़ दल के प्रमुख ओबीसी नेताओं को गांधीनगर में आयोजित धरने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस के इस धरने का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उजागर करना है, जिसमें उनके लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण की आवश्यकता भी शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जेलों की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वह शहर के मध्य स्थित सेंट्रल जेलों को बाहर स्थानांतरित करने का विचार रखती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के 276 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 18 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
चिकन और अंडे को प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है। हालांकि यह सिर्फ नॉन वेजिटेरियन के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। ऐसे में शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन के इन स्रोतों को अपनी डाइट में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। प्रोटीन एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के मांसपेशियों के निर्माण में आवश्यक है। यह फैट परसेंटेज को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसलिए शाकाहारी लोग सोया प्रोडक्ट के अलावा टोफू, दाल, चने आदि को भोजन में शामिल जरूर करें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता समेत 22 लोगों को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इन सभी पर मानगो की एक लड़की से गलत काम करने का आरोप है। वहीं निचली अदालत ने सभी को आरोपी बनाने का आदेश दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही पहलवानों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी भी खोला जाएगा। राज्य में कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये दो बड़ी घोषणा नागपंचमी पर्व के अवसर पर की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी की है, इसके बजाय उन्हें रेड कार्ड जारी करना चाहिए था। और कहा कि एमपी में 20 साल के शासन के बाद भी भाजपा गरीबों का कल्याण नहीं कर पाई, जिसका मतलब है कि भाजपा शासन में 2 दशकों के दौरान या तो लोग गरीबी से बाहर आए या लोग गरीब होते गए। हिमाचल प्रदेश में भीषण तबाही मचा चुका मानसून फिर सक्रिय हो गया है। जहां प्रदेश के अधिकांश भागों में सुबह से ही बारिश हो रही है, वहीं शिमला में काफी तेज से हैवी रेनफॉल हो रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने अगले 96 घंटे के लिए पहाड़ों पर तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भारतीय सेना ने सीमा पार बड़ी कार्रवाई की है। इस बार हमारे जाबाजों ने रजौरी व पुंछ जिले के मध्य से नियंत्रण रेखा के पार जाकर गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली के नकियाल में सक्रिय आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई में 7 से 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब राज्य के शिक्षा मंत्री बत्य बसु ने जाधवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत के लिए राज्यपाल सीबी आनंद बोस को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री ने इस मामले को राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच चल रही खींचतान से भी जोड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में एक महिला के दोस्त ने उसके साथ कई बार गलत काम किया और फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस से मामले में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के और ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।